तो प्यारे किसान भाइयों, आज मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता, इनोवेशन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बठिंडा से। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जब बच्चे बछड़ों का जन्म होता है या बछड़ियों का जन्म होता है, जन्म के समय हम उसकी कैसे उसकी देखभाल करनी है। केवल जन्म के समय की ही बात करेंगे। नॉर्मली किसान भाइयों, ऐसा होता है कि जब बछड़े का जन्म होता है, अगर उसकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल प्रेजेंटेशन से भाव ये होता है कि अगर उसकी उसका सिर दोनों अगली टांगों के भीतर बीच में पड़ा है, तो उसकी प्रेजेंटेशन को हम लोग एंटीरियर प्रेजेंटेशन बोलते हैं और इसमें बच्चा आसानी से बाहर आ जाता है। लेकिन कई बार जब बच्चा आसानी से बाहर आ जाता है, तो उसकी केयर हम लोगों कैसे की जाती है। सबसे पहली बात जो देखनी होती है, ये जो बच्चे की अटैचमेंट है, इसके जो धुन है, उसकी अटैचमेंट जेर के जरिए अपनी माँ के साथ इसके खून की सप्लाई होती है, और जो जेर के जरिए ही उस नेवल कॉर्ड के जरिए इसकी अटैचमेंट होती है। नॉर्मली जब इसकी डिलीवरी होती है या पार्चुरेशन होती है या काविंग होती है, तो ये जो नाड़ुआ होता है अपने आप टूट जाता है। लेकिन कुछ एक केसेस में हमने देखा है कि यह नाड़ुआ अपने आप नहीं टूटता। अगर नाड़ुआ अपने आप नहीं टूटता, तो इसमें आप लोगों को कैसे करना चाहिए, उसी वक्त उसी मौके पे आपके पास कोई ना कोई ऐसी सीज़र या कैंची चाहिए जो स्टरलाइज्ड हो। यह हमेशा ही होनी चाहिए। जब आप लोग इतने बड़े पशु रखते हो, तो आप लोगों के पास स्टरलाइज ये सीज़र होनी चाहिए। अगर नहीं भी है, तो आप लोग कोई भी सीज़र को लेके उसको कम से कम 3-4-5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए उसको बिटाडीन के अंदर डिप कर लो, वो स्टरलाइज हो जाती है। उसमें जितने भी जरासीम होते हैं वो तकरीबन मर जाते हैं। तो आप उस सीज़र की मदद से उस नाड़ुए को काट सकते हो। लेकिन उस धुन से जो उसका काटने का डिस्टेंस है, वो कम से कम 4 से 6 इंच के तकरीबन चाहिए। लेकिन काटने से पहले हम उस नाड़ुए को दो जगह पे उसकी गांठ किसी धागे की लगा देते हैं, पक्के धागे की गांठ लगा दी जाती है, जिसको हम लोग टॉर्निकट बोलते हैं। वो पक्की गांठ इस हिसाब से लगाई जाती है कि ताकि खून की सप्लाई बिल्कुल भी ना हो, बिल्कुल कट ऑफ हो जाए। और ये टॉर्निकट हम लोग दो जगह पे लगाते हैं, पहली धुन से 4 या 5 इंच की दूरी पे, दूसरा उसके 1 इंच की दूरी के बाद। उसके बाद हम लोग इसको काटते हैं, और काटने के पश्चात जो उसका कटा हुआ सिरा होता है, उसके ऊपर भी हम लोगों को बिटाडीन सुबह शाम लगाते रहना चाहिए, ताकि फिर भी किसी तरह की इन्फेक्शन इसके भीतर से आगे बच्चे के धुन में ना जा नहीं पाए। अगर इन्फेक्शन जाती है, तो आप लोग देखोगे कई बार इस धुन के ऊपर एब्सेस बन जाता है, फोड़ा बन जाता है, और उसके भीतर बहुत सारा रेशा बन जाता है, जिसके कारण बच्चे को काफ़ी तकलीफ आती है। और कई बार इस नेवल एब्सेस से ये इन्फेक्शन आगे जाके उसके जो जोड़ होते हैं, अगली टांगों के जोड़, उनमें भी आ जाती है, पिछली टांगों के जॉइंट्स में भी आ जाती है, और इस बीमारी को हम लोग जॉइंट इल बोलते हैं। तो इन सभी बीमारियों से बचने के लिए हमेशा ही नाड़ुआ, चाहे आप लोगों के खुदने काटा है या अपने आप कटना है, नाड़ुओं के ऊपर हम लोगों को बिटाडीन सुबह शाम लगाते रहना चाहिए, ताकि यहाँ से किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो, हम लोग नेवल एब्सेस और जॉइंट इल से बचे रहें और हमारे पशु भी बचे रहें। दूसरी बात होती है, जब बच्चा पैदा होता है, इस नाड़ुए को बिटाडीन लगाने के उपरांत या काटने के उपरांत जो दूसरी बात हम लोगों को ध्यान में रखनी पड़ती है, वो उसका सांस लेने की प्रक्रिया है। नॉर्मली जब बच्चा बाहर आता है, या कई बार जब बच्चा पैदा करने में थोड़ी सी देरी हो जाती है, या कई बार जब जो पहला पानी वाला बुलबुला आता है, कई बार बच्चे दाने के भीतर या हम लोग वजाइना के अंदर कह सकते हो, अंदर टूट जाता है, तो उसमें कुछ पानी के बूंदें या कुछ पानी का अमाउंट उसके नाक वाली नाली में भी, नास में भी चला जाता है, और कुछ उसके मुंह में भी चला जाता है। लेकिन अगर ये पानी उसके नाक में जाता है या उसके मुंह में जाता है, तो उसमें सांस की प्रक्रिया बहाल प्रॉपर से नहीं हो पाती, जिसके कारण जब बच्चा पैदा होता है, तो उसको प्रॉपर से सांस नहीं आता या सांस लेने में उसको दिक्कत आती है। अगर आप लोगों को कुछ ऐसा महसूस होता है, या ऐसा महसूस नहीं भी होता,
फिर भी हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि उस बच्चे की सांस की प्रक्रिया को हम लोगों को बहाल करना चाहिए। और ये सांस की प्रक्रिया को हम लोग कैसे बहाल करते हैं, सबसे पहले जैसा आप लोग करते हो उसके नाक को, जो नॉस्ट्रिल्स हैं जिसको हम नसने बोलते हैं, उसको दोनों उंगलों से आप लोगों को सेक्यूज़ करके उसके भीतर अगर कोई रस पड़ा है, कोई पानी पड़ा है या कोई डिस्चार्ज पड़ा है, उसको उंगलों से सेक्यूज़ करके बाहर निकाल देना चाहिए। और दूसरी बात, उसके मुँह के भीतर भी आप लोगों को उंगल डाल देनी चाहिए दोनों तरफ से, ताकि अगर कोई डिस्चार्ज पड़ा है वो भी उसके बाहर आ जाए। कई बार हम लोग कानों में भी फूंके मारते हैं ताकि कोई भी डिस्चार्ज पड़ा है वो बाहर आ जाए। नॉर्मली ऐसा प्रक्रिया करने से सभी तरह के डिस्चार्ज जो पड़े होते हैं बाहर आ जाते हैं। लेकिन कई बार अगर डिस्चार्ज की मात्रा ज़्यादा हो तो पशु को फिर भी सांस लेने में दिक्कतें आती हैं। तो ऐसे केस में आप लोग उस बछड़े को या उस बछड़ी को उल्टा लमकाते हैं। उल्टा लमकाने का भाव, उसको पिछली टांगों से, उसको उसकी पिछली टांगें ऊंचा करके, उल्टी करके, उसका मुंह को नीचे को करके या उसकी अगली टांगों को नीचा का करके उसको लमका देते हैं। दो बंदे पिछली टांगों को पकड़ के उसको ऊपर कर लेते हैं और ग्रेविटेशन के इफ़ेक्ट के अंडर जितना भी डिस्चार्ज उसकी नाक में होता है या मुंह में होता है वो बाहर चला आता है। और फिर हम लोग उसी नाक को सेक्यूज़ करके, उस मुंह को सेक्यूज़ करके हम उस पानी को भी बाहर निकाल देते हैं। लेकिन उसके बाद, निकालने के बाद अगर आपकी ये प्रक्रिया ख़त्म हो जाती है, फिर भी आपको उस बच्चे को ऐसी सलांट पे डाल देना चाहिए ताकि उसका मुँह निचली तरफ हो और जो पिछली टांगियाँ थोड़ी सी ऊंची हों, ताकि ग्रेविटेशन के इफ़ेक्ट के अंडर अगर कोई और भी डिस्चार्ज बचा है वो भी इसके साथ बाहर आता रहे। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि इसकी प्रक्रिया बहाल नहीं होती, तो फिर आप लोग इसके चेस्ट को प्रेस करके, दोनों हाथों से चेस्ट को प्रेस किया जाता है, ताकि चेस्ट के प्रेस करने से अगर रेस्पिरेशन ट्रैक्ट के भीतर कोई डिस्चार्ज फंसा है तो वो भी बाहर आ जाए। और हमने देखा है कि ऐसा करने से तकरीबन 99% पशुओं में ये सांस की प्रक्रिया बहाल हो जाती है। जब सांस की प्रक्रिया बहाल हो जाती है तो आप लोग उसके चेस्ट से देखोगे, वो उस चेस्ट ऊपर नीचे होने लगती है, तो इसका मतलब सांस की प्रक्रिया बहाल हो गई है। जब उसकी सांस की प्रक्रिया बहाल हो जाती है तब हम लोगों की टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये उसकी दूसरी, जो हम लोगों को ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, उसकी सांस की प्रक्रिया को बहाल करने की बात। तीसरी बात आती है, सांस की प्रक्रिया जब बहाल आ जाती है तो उसके बाद हम लोगों को पशु के शरीर को सुखाना पड़ता है। नॉर्मली जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चेदानी के सक्रीशन से या जेर के सक्रीशन के कारण या वाटर बैग के सक्रीशन के कारण उसका ऊपर वाली सरफेस काफ़ी गीली होती है। नॉर्मली जो उसकी माँ है, उसकी माँ की जीभा में ये गुण होते हैं कि वो अपने बच्चे को चाट चाट के सारे उसको बिल्कुल सुखा देती है। लेकिन कुछ एक हीफर्स में हमने ऐसा देखा है, जो वहड़ी हैं या जो पहली बार जिसने बच्चा पैदा किया है, वो बच्चे की तरफ थोड़ा सा कम देखती हैं, साइकोलॉजिकली है। जब बच्चे की तरफ देखती नहीं है या उनके वो जो थोड़ा सा बच्चा पैदा करने के समय ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती हैं तो बच्चे को देख नहीं पाती, बच्चे की तरफ उसकी रुचि नहीं होती, तो उसमें हम लोगों को एक सूखा कॉटन का बिल्कुल साफ कपड़ा लेके उसके सारे शरीर को अच्छे से पोंछ के सुखा देना चाहिए। क्योंकि अगर गर्मी के दिन हो तो बात अलग है, लेकिन सर्दी के दिनों में अगर उसका शरीर गीला है तो उसे निमोनिया होने का डर लगा रहता है, उसमें कई बार हम लोगों के बच्चों का नुकसान भी हो जाता है। तो तीसरा जो काम आप लोग करोगे वो उसकी स्किन की ड्राइंग है। अगर नेचुरली उसकी माँ नहीं करती तो आप लोगों को उसके कपड़े से कर देना चाहिए। चौथी बात उसके आगे आती है, जब आधा पौना घंटा घंटे के बाद हमने देखा है कि बच्चे अपने पैरों पे खुद खड़ा होना सीख जाते हैं, खुद खड़ा होना शुरू कर देते हैं। जो मेल्स हैं देखा, थोड़े से जल्दी कर देते हैं, फीमेल्स थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, वो एक घंटे से सवा घंटा भी ले लेते हैं, लेकिन मेल्स हमने देखा कि पौने घंटे घंटे के भीतर भी वो बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। लेकिन खड़ा होने के पश्चात जो सबसे पहली प्रक्रिया हम लोगों को करनी है, दैट इज़ कॉल्ड फीडिंग ऑफ कोलोस्टम। बौले को पिलाना या जिसको आप लोग खीस बोलते हो, खीस को पिलाना, ये सबसे अनिवार्य बात है। क्योंकि इस खीस के भीतर एंटीबॉडीज़ होते हैं जिसको हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोलते हैं, या इसके भीतर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पशु के शरीर में बीमारियों से लड़ने की ताकत पैदा करती हैं, इसको हम लोग एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। पशुओं के दूध में, गाय और भैंसों के दूध में इस इम्यूनोग्लोबुलिन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है,
और इस दूध को पिलाने से पशुओं की जो बच्चों की जो ताकत है बीमारियों से लड़ने की बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और आप लोग पूछोगे कितना ये बौला पिलाना चाहिए, बौले की जो खीस की मात्रा है इसको हम उसके शरीर के भार का दसवां हिस्सा मान के चलते हैं कि अगर मान लो कि उसके शरीर का भार बच्चे के शरीर के भार तकरीबन 30 किलो है तो उसको 3 किलो उसकी खीस बनती है, 3 किलो उसको बौला पिलाना चाहिए, 1.5 किलो सुबह और 1.5 किलो शाम को, यानी कि उस वक्त 1 घंटे के बाद जब बच्चा उठेगा तो आप लोगों को तकरीबन उसको 1.5 किलो खीस, उसके 10% ऑफ द बॉडी वेट उसको खीस पिलानी चाहिए। और उस खीस के पीने से उसके भीतर बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स की मात्रा होती है और वो पूरी ताकत ग्रहण कर जाता है। लेकिन दूसरी बात ये है कि इस खीस के भीतर जो एंटीबॉडीज़ होते हैं, जितना दूध जल्दी पिला दोगे उसमें उतने ही ये एंटीबॉडीज़ की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे हम इसको डिले करते हैं, मैंने देखा है कि गाँव में हमारे फार्मर्स क्या बोलते हैं कि जब तक जेर नहीं पड़ेगी तब तक बच्चों को खीस या उसको बौला नहीं पिलाना चाहिए। ये एक बिल्कुल गलत प्रक्रिया है। बच्चे को खीस जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पिला देनी चाहिए, क्योंकि खीस निकालने से या कलस्ट्रम निकालने से या कलस्ट्रम पिलाने से उसकी जेर पड़ने पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। ये होगी किसान भाइयों उस वक्त की बात जब बच्चा पैदा होता है, 1 घंटे के भीतर आप लोगों को क्या क्या कुछ करना है। अगर आप लोग इस बातों का ख्याल करोगे तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बच्चों को मैनेजमेंट करने के, बच्चों को सुधारने में आप लोगों को कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। और दूसरी अगली बात होती है दूध की मात्रा या खीस की मात्रा जो आप लोग पिलाते हो, अगर इसकी मात्रा को आप लोग बढ़ाओगे ज़्यादा करोगे तो पहले 2-3-4 दिन जो खीस होती है उसके कारण अगर आप लोग इसकी ज़रूरत से ज़्यादा पिलाओगे तो उसमें कई बार इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन्स हो जाती हैं, काफ स्कोर्स हो जाते हैं, बच्चों को लूज मोशन लग जाती हैं, कुछ बीमारियों के कारण कुछ बीमारियों की पनपना उसमें बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए खीस के अमाउंट को आप लोगों को हमेशा ही 1/10 ऑफ बॉडी वेट से ज़्यादा किसी भी हालत में नहीं रखना है। लेकिन उसके बाद भी कुछ एक ऐसी दवाएं भी मार्केट में आती हैं जो बच्चे की ग्रोथ के लिए जिनको बहुत ही ज़्यादा उपयोगी माना गया है, क्योंकि इस दवाइयों के भीतर बहुत तरह के मिनरल्स, उसमें मैक्रो मिनरल्स भी आ जाते हैं, माइक्रो मिनरल्स भी आ जाते हैं, उसमें कुछ विटामिन्स भी आ जाते हैं, उसके साथ कुछ अमाइनो एसिड या प्रोटीन्स की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ये राइट काफ आता है मार्केट में, देखा गया कि राइट काफ के भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। इसको आप लोग पहले 2-3 दिन के भीतर ही शुरू कर सकते हो और इसकी डोज भी बहुत कम बनती है, सिर्फ 10 ml डोज आप लोगों को देनी पड़ती है अर्ली स्टेज में। लेकिन उसके बाद 15 दिन की जब बच्चे की आयु हो जाती है तो तब उसकी डोज आप लोग 10 ml से बढ़ा के 20 ml कर सकते हो। इतना भरपूर राशन देने से जो बच्चे का आगे का विकास होगा बहुत ही ज़्यादा होगा। और कल जो नेक्स्ट हमारी हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग आपको बताएंगे कि बच्चे का पालन पोषण आपने पहले दिन के बाद कैसे करना है, कैसे उसको खिलाना है, किस किस चीज़ों का ख्याल करना है। तो आप लोग हमारे कॉन्टैक्ट में बने रहिए और हमारी बातों को सुन के उसके ऊपर असर करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप लोग हमें अपने सुझाव भी बताते रहिए ताकि हम आपकी बातों का पूरा जवाब दे पाएँ। थैंक यू सो मच।